नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी। शाम का 7:30 बजने वाला है। मैं हूं हाजिर आपका बेहतरीन कार्यक्रम लेकर के, पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के, बिग डिबेट। बारिश में टपकती है छत उसके कच्चे मकान की, फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। आज इस प्रोग्राम में मैं चर्चा करूंगा उसी मुद्दे पर, उसी व्यक्ति की जिसके घर की छत टपकती है उसके बावजूद वो बारिश की दुआ करता है। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अन्नदाता किसान की। वो किसान जो खेतों में सोना उगाता है और हमारा पेट भरता है, लेकिन जब मजबूर होता है तो भोपाल राजधानी की सड़कों पर उतर आता है। हम उससे दावे करते हैं, हमारी सरकारें तमाम तलखियां दिखाती हैं, उसको ख्वाब दिखाती हैं, खेती लाभ का धंधा बनाती हैं, उसके बावजूद वो फटेहाल रहता है और इसलिए उसको आना पड़ता है राजधानी की सड़कों पर उमड़ करके। और सबसे बड़ी बात तब होती है जब ऐसे लोग जो सत्ताधीशों के साथ मिलकर कदम ताल करने का मादा रखते हैं, जो सत्ताधीशों के साथ रहने का वादा करते हैं, जो दावा करते हैं, वो जब सड़क पर उतरते हैं तब लगता है कि समस्या कुछ बड़ी है। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान होंगे, बड़े खास मेहमान होंगे। उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, परिचय कराऊं। उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। खाद, बीज, मुआवजा, अनाज और सब्जियों पर भावांतर योजना सहित अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ राजधानी भोपाल में आज किसान पंचायत की MBM ग्राउंड पर आयोजित इस किसान पंचायत में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसान आंदोलन में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार किसानों की है, किसान जो कहेंगे हम सुनेंगे, समस्या का हल करेंगे। आइए पहले एक नज़र उन मांगों पर जो मान ली गई और एक नज़र उन पर भी जो अधूरी ही रह गई। इन मांगों को मानने की मुख्यमंत्री ने मंच से की घोषणा। डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री, कृषि पंप अनुदान योजना फिर चालू की जाएगी। बिजली समस्या और ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। राजस्व के प्रकरणों का पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री, खेत सड़क योजना फिर से चालू की जाएगी। बलराम तालाब योजना पर विचार किया जाएगा। प्रदेश की सभी नहरों की मरम्मत होगी ताकि किसानों को बेहतर तरीके से पानी मिल सके। बिना किसान की सहमति के भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। मंडियों में डोकोज टेस्टिंग मशीनें लगाई जाएंगी। अनाज तौलने के लिए बड़े कांटे लगाए जाएंगे। गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से वापस कराएंगे। आइए अब उन मांगों पर नजर जिन पर मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। प्रदेश सरकार खेती किसानी से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए विधानसभा का 7 दिवसीय विशेष सत्र बुलाए। मुख्यमंत्री, सम्मान निधि की राशि 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की। जमीन क्रय करने वाले व्यक्ति की रजिस्ट्री के बाद अधिकतम 7 दिन के अंदर नामांकन भी किया जाए। जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से होने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करे। मंडियों में कार्यरत महिला मजदूरों को हम्माल का दर्जा दिया जाए। प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को भंग किया जाए जिससे योजनाओं के नाम पर किसानों के साथ होने वाली लूट बंद हो सके। वायरस या आकलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर मुआवजा दे। प्रदेश के सभी गौपालक किसानों को 900 रुपए प्रति माह दिया जाए, क्योंकि किसान आए और मामा उनके बीच ना आए ये हो ही नहीं सकता। तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख के आया हूँ और इस भाव के साथ आया हूँ कि जो भी जायज समस्याएं किसानों की होगी वो पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इधर किसान और किसान संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार से लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन उनका निराकरण नहीं हुआ, इसलिए अब हम मैदान में उतरेंगे। पर सरकार से अभी जो तुरंत मांगे हैं कि खाद वितरण में भारी अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो उसको तुरंत हल किया जाए। गौरतलब है कि RSS से संबंधित भारतीय किसान संघ ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में हुई किसानों की इस पंचायत में, जहां प्रदेश सरकार को जमकर घेरा गया, वहीं दिल्ली में भी 19 दिसंबर को किसान गर्जना रैली निकालने का ऐलान किया है। जानकारों की माने तो भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले BJP के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट।
निश्चित रूप से किसानों ने आज जिस तरह से प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री उसमें गए, सभा में उनकी बातें सुनी, उसके बावजूद लगता है कि एक चुनौती सरकार के सामने खड़ी होने जा रही है। विधानसभा का अगला चुनाव है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, बड़े खास मेहमान है मेरे साथ। कांग्रेस के फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस के वो प्रवक्ता, वो बिना तल्खी के साथ, बिना किसी दबंगई के साथ अपनी बात पूरी शिद्दत के साथ रखते हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शन चौधरी जी, भाजपा के वो नेता जो भाजपा के सबसे बड़े मोर्चा कहे जाने वाले भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनको सुनकर, इनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये आदमी कभी जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करता है। बिल्कुल जमीन के नेता, हर पल जमीन के नेता बने रहते हैं। ऐसे दर्शन चौधरी जी का स्वागत है। और थोड़ी देर में मेरे पास आज जो किसान संघ, जिसने आंदोलन किया, जो सरकार के सामने चुनौती बन रहा है, हालांकि वो भाजपा की वैचारिकता के साथ जुड़े हुए रहते हैं किसान संघ के लोग, ये माना जाता है, ऐसे राहुल धूती जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज चर्चा की शुरुआत करता हूं, तो पहला सवाल, चूंकि सत्ता, दर्शन चौधरी जी भले ही जमीन के नेता हैं और भाजपा के हैं, लेकिन उस कुर्सी पर बैठे हैं जिसको जवाब देने के लिए रखा गया है, तो सबसे पहला सवाल, मेरा सवाल, फिरोज सिद्दीकी का सवाल, इस प्रदेश की जनता का सवाल, और हजारों की संख्या में भोपाल में प्रदर्शन करने वाले किसान संघ का सवाल, सबका सवाल है दर्शन जी से। दर्शन जी, आपकी सरकार आए हुए लगभग 17-18 साल होने जा रहा है। पहले दिन आपने जब सरकार बनाई थी 2003 में, तब कहा था कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाएगा। आखिर ये वादा दिवा स्वप्न बना रहेगा कि सच में आपको भी पूरा कर पाएंगे? दर्शन जी, देखिए, पहले तो मैं स्वराज न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं। और वास्तव में जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने लिया है कि हम खेती को लाभ का धंधा बना के रहेंगे, और आज जो किसान की हालत दिखाई दे रही, 2003 के पहले का किसान और अब का किसान, दोनों में जो पर्याप्त अंतर दिखाई दे रहा, मैं लंबे समय से किसानों की मांग, और मैं मूलतः किसान संघ से ही निकला हुआ व्यक्ति हूं, और इसलिए इस विषय को, हम जिन विषयों को रखते थे, आज चाहे वो आरबीसी सचार में परिवर्तन की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, वर्ष में दो बार बिजली के बिल की बात हो, और किसानों का आयाम में, और मैं तो कहता हूं पूरे देश के अंदर किसानों का कोई असली और बड़ा चेहरा यदि कोई दिखाई देता है तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान देश के अंदर दिखाई देते हैं। और इतनी संवेदनशीलता आज हम देख रहे हैं कि आज जो माननीय किसान संघ के लोगों ने जो प्रदर्शन किया, और उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया, किसान पुत्र मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, संवेदनशीलता से न केवल उनकी सुनी बल्कि निराकरण भी किया, आपकी रिपोर्ट के अनुसार ही और माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार भी बहुत सारी चीजों का स्थायी निराकरण करने का काम पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आगे भी हम करते रहेंगे, और हम प्रतिबद्ध हैं, किसान के थे, किसान के हैं और किसान के रहेंगे। दर्शन भाई, यही तो मेरा सवाल था, कब तक उसको, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 17 साल हो गए कुर्सी बैठे आपको भाई। निश्चित तौर पर 17 साल में परिवर्तन आप देखिए, पहले की माली हालत में, पहले पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी हुआ करती थी, जो 15,000 से लेकर हमने 1,043,000 तक पर कैपिटा इनकम आज हुई है। आज हम देख रहे हैं, जब एक समय जितनी तुलाई होती थी, जितना उपार्जन किया जाता था, उससे कई गुना ज्यादा, आज हम देख रहे हैं कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। आज हम देख रहे हैं दूध के मामले में हम विश्व के, भारत में दूसरे नंबर के उत्पादक हो गए। आज हम देख रहे हैं धनिया और अन्य चीजों में हम पहले नंबर के उत्पादक हो गए। तो जहां तक नवाचार की बात है तो पूरे मध्य प्रदेश में, आज चाहे हम प्राकृतिक खेती की बात करें, उसमें भी देश का प्रथम प्रदेश हमारा प्राकृतिक प्रदेश बना है। और इस मामले में कह सकता हूं कि जो जो हमारी मांगे आज किसान संघ के माध्यम से आए, अन्य किसानों के माध्यम से आए, मैं भी लगातार चलने वाला व्यक्ति हूं, और जहां जहां से भी बातें आती हैं, दर्शन दर्शन जी, दर्शन जी, वो बात तो हम लोग मानते हैं कि आप बिल्कुल जमीन से जुड़े नेता है, पर आप जो बातें, इतने सारे दावे कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सारे ख्वाबों को धरती पर उतार दिया मतेज की, उसके बावजूद कभी शिवकुमार कक्का को आंदोलन करना पड़ता है, कभी राहुल धूत जी को करना पड़ता है, जो आपकी वैचारिकता से जुड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं, फिरोज सिद्दीकी की बात बाद में करूंगा। राहुल जी, देखिए त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाकर एक ये डिबेट आयोजित की है। देखिए, कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि सरकारें किसानों की चिंता करती हैं, लेकिन चिंता करने से काम नहीं चलता। चिंता को धरातल पर लाया जाए, उस पर कैसे क्रियान्वयन किया जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सही तरीके से सही निर्णय होते और वो धरातल पर आते तो किसानों को इतने भारी मात्रा में भोपाल में, राहुल जी एक मिनट बस, मुझे लग रहा है कि जो हम लोग भी देख रहे थे दिन से, कि आपने सही कहा कि चिंता करती है, चिंता को जब चिंतन में बदल देगी सरकार, तब मुझे लगता है कोई रिजल्ट आएगा। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, चिंता को जब चिंतन में बदल देगी, जब जाके परिणाम निकलेंगे। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है,
खाद की कोई कमी नहीं है, तो ये लाइनें किसान क्या सोख से लगा रहा है? आप देखिए सोसाइटियों में खाद के लिए लाइन लग रही है, व्यापारी के पास जाइए तो वहाँ खाद जितनी चाहे वहाँ उपलब्ध है, तो ये दिक्कत है कहाँ, समस्या कहाँ है, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? दूसरी चीज, आप कह रहे थे काफ़ी दिन पहले हम बातचीत हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कर्ज माफी के चक्कर में जो किसान डिफाल्टर हुए थे उनका ब्याज माफ़ करेंगे, आज तक सोसाइटियों में ऐसा कोई आदेश पहुँचा नहीं, किसान डिफाल्टर हो गया, साल भर से उसे अतिरिक्त पैसा देना पड़ा, ऐसा आदेश क्यों नहीं जारी किया गया? आप बोल रहे हैं ठीक है मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, उसका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से हो, ये कौन देखेगा? ये बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आऊँगा फिरोज सिद्दीकी के पास। फिरोज भाई यही बात निश्चित रूप से देखिए, आप पर बार बार उंगली उठती कि 2003 के पहले तो आपने कुछ किया नहीं था, इन्हें तो बहुत कुछ कर दिया, इनके बहुत कुछ करने के बाद बिल्कुल मखमली कालीन बिछ गई, उसके बावजूद भी अगर इन्हीं की बेचारिता के लोग आरोप लगा रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, तो आखिर आप कितना समझ पाते हैं इस सच्चाई को कि आखिर इनके कहने में दर्शन जी जो दावे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो बातें कर रहे हैं और राहुल जी जो बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए नीतियों का सवाल है जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों की पार्टी नहीं रही, ये पार्टी जो रही हमेशा व्यापारियों के साथ रही, वो भी छोटा व्यापारी नहीं बड़े व्यापारियों के साथ रही। आप मुझे ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री को याद आई जब किसान मोर्चा का कुर्ता पकड़ने लगे किसान और किसान संघ का कुर्ता पकड़ने लगे किसान की भैया हमारा कर्जे का क्या हुआ? आप ये बताइए जब कमलनाथ जी की सरकार लेके आई थी योजना 27.5 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, खुद कमल पटेल जी ने जानकारी दी, हमारी जानकारी नहीं है, 11.5 हजार करोड़ बैंक खातों में गए। आपने जो मुख्य सरकार की योजना थी जो राज्यपाल के नाम थी जय किसान ऋण माफी योजना, उस योजना को बंद क्यों किया? क्या शिवराज सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से पैसा दे रही थी किसानों को? उस गरीब किसान का पैसा क्यों माफ नहीं किया? मुझे यह बात नहीं समझ में आई कि चलती हुई योजना को आपने बंद कर दिया, दे देते 5-7 हजार करोड़ और बचे थे, दे देना चाहिए थे हमको, हम कुछ और कम मद में कम कर लेते, लेकिन उस किसान का यह फायदा हो जाता। नंबर दो बात, किसान संघ जो है ये पॉलिसियों पर नहीं घेरता अपनी सरकार को, ना किसान मोर्चा घेरता है। हमारी सरकार जो थी वो 80-20 पे खाद वितरण कराती थी, 80% गवर्नमेंट की सोसाइटियों को दी जाएगी, डबल लाख सिंगल लाख जिसे कहते हैं मार्कफेट की जो गोदाम है उनसे बांटी जाएगी, 20% जो है वो प्राइवेट विक्रेताओं को दी जाएगी। इन्होंने साहब उठा के 60% कर दिया व्यापारी और 40% कर दिया गवर्नमेंट, तो क्या होगा, ब्लैकमेलिंग होने लगी किसानों के साथ? ये नीतियों को पकड़ते नहीं है, इन ये नीतियों को पकड़े हैं और आज ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब भी आदेश करो ये कि 80% जो है डबल लाख से या सिंगल लाख से बिकती है खाद, किसानों को तकलीफ ही नहीं होती, बिल्कुल आराम से हो जाती है। अब आइए खाद पे, डीएपी पिछले साल थी 1205 रुपए, इस बार हो गई 1470 रुपए की, उसमें भी 12-32-16 नहीं मिल रहा, तो 008 नहीं मिल रहा, किसानों की इतनी अव्यवस्थाएं फैली हुई है खाद में। सरकार नींद लगा रही थी जो एडवांस का खाद आता था कि एडवांस में डबल लाख सिंगल लाख सोसाइटियों में हम खाद रख देते थे, किसान जो था उसका 30-40% पहले ही उठ जाता था सीजन चालू होने से पहले, तो उससे कतारें जो थी वो कम हो जाती थी। इस बार एडवांस नहीं दिया उन्होंने खाद, इसलिए ये अव्यवस्था फैल रही है। आप देखिए आपको हैरानी होगी त्रिपाठी जी, इनकी सरकार में जो हमारी यूपीए की सरकार थी, आपको पाइप चाहिए आइए ले जाइए सोसाइटी, आप आओ आवेदन लेके आओ और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मिल जाता था, ये अब लॉटरी से उठा रहे हैं, ये इंप्लीमेंट रोटरवेटर लॉटरी से दे रहे हैं, सीड ड्रिल मशीन लॉटरी से दे रहे हैं, ये स्थिति इस सरकार की कि इनके पास अनुदान देने को नहीं है। और आपको राहुल जी एक चीज कहूंगा, मैं बरसों किसानों के बीच काम किया हूं, आपकी जो डीबीटी स्कीम है, ये इस डीबीटी स्कीम में मैं बाबई ब्लॉक से निकाल के दे दूंगा आपको, 80% फर्जी जो है बिल लगे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि जो है दुकान नहीं आदमी की, खाली लेटर पैड पे छपा हुआ है जीएसटी नंबर छपा हुआ और खाते में पैसे जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये स्थिति है। सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं इनकी, कपिल धारा, सूरज धारा, इंप्लीमेंट योजना, सब उन्होंने कहा सब डीबीटी कर दो, डीबीटी कर दो, डीबीटी कर दो। इसी मुझे फिरोज भाई मेरे पास थोड़ा सा लग रहा है कि दर्शन जी के पास आऊंगा वापस। दर्शन भाई एक बड़ा मुद्दा आज उठा जो फिरोज भाई कह रहे थे, हालांकि फिरोज जी एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने बिल्कुल सही कहा मारपीट को, पर आप लोगों ने तो मारपीट को भी सियासत का अड्डा बना दिया था ना, दिक्कत ये थी बहुत बड़ी। अब देखिए अब जो बात हो रही है, आज जो मुख्यमंत्री जी ने तमाम घोषणाएं की, आप अभी जो दावे कर रहे दर्शन जी, ये पूरे के पूरे मामले इसमें से नया क्या है?
आप बलराम तालाब योजना पहले थी हमारे पास, केंद्र का मामला था पूरा का पूरा, पता नहीं कि राहुल जी ने कैसे मान लिया सीएम की बातों को। आप जो बात कर रहे थे जमीन का अधिग्रहण, वो केंद्र सरकार पहले ही रूल ला चुकी है। दूसरा, आप जो मजदूर की बात कर रहे थे, किसान वाले खेतों की बात कर रहे थे, उसको सीबीसी में आप बहुत पहले चेंज कर चुके हो। आज आपने क्या नया करके दिखाया, मैं सब ये जानना चाह रहा था। शायद राहुल जी नहीं समझ पाए इसलिए आपकी बात मान गए वहां पर मुख्यमंत्री जी की। दर्शन जी देखिए, आज जो जो विषय किसान संघ के द्वारा उठाए गए हैं जी, वो उनको बड़ी गंभीरता से लिया गया, और जिसमें ब्याज माफी की बात है उसको अगले बजट तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, और जो मुख्यमंत्री जी ने आज तक बोला, वर्ष में दो बार बिजली की बोली थी, दिया है। जहां तक हमारे सिद्दीकी जी कह रहे हैं सब्सिडी नहीं, तो इन्होंने तो 2 लाख कर्जे की माफी की बात करी थी, हमारे किसान को डिफॉल्टर बनवाया, हम उसको फिर से रेगुलराइज कर रहे हैं, और उससे बड़ी बात 21,000 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी हम केवल केवल बिजली के क्षेत्र में दे रहे हैं। जहां तक चूंकि नवाचार करते हुए, चाहे वो हम पॉली हाउस के माध्यम से करें, चाहे अन्य प्रकार के खेती के माध्यम से करें, उनमें हर एक एक वेयर हाउस की आप सब्सिडी देखिए, तो उसमें किसान को राहत मिली, और अब किसान पहले से ज्यादा न केवल सक्षम हुआ है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और मेरा मध्य प्रदेश फिर से इसी आत्मनिर्भरता के आधार पर मैं कह सकता हूं, किसान की सक्षमता के आधार पर कह सकता हूं। पर सर, सवाल तो सर आप पे उठ रहा है ना बार बार, वही कि आप जो बिजली की बात कर रहे हो, आप ही ने शुरू किया था पहले अटल ज्योति मिशन अभियान। आपके मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणाएं कर रहे थे कि पढ़ाई के लिए अलग, सिंचाई के लिए अलग, और घर के लिए अलग। जब सब कुछ अलग कर दिया तो फिर दिक्कत क्यों आ रही बिजली की? निश्चित तौर पर इसमें आज हम 10 घंटे की प्राथमिकता से दे रहे हैं, और जहां तक गांव की बिजली की बात अलग है, तो 24 घंटे कोई देवा स्वप्न था, जो आपने कहा ना, वास्तव में देवा स्वप्न था। गांव में कोई 24 घंटे की कल्पना कर नहीं सकता था, वो काम करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी ने दिखलाया है। निश्चित तौर पर आगामी समय में भी हमने जो मोदी जी ने कहा है कि हम अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे, चाहे हम सौर ऊर्जा से लें, चाहे हम अन्य जो भी बिजली बनाने के स्रोत रहते हैं उनसे लें, लेकिन ये बिजली की सक्षमता 3 फेज भी निश्चिंत रहे, मोदी है तो मुमकिन है, शिवराज जी है तो संभव है, ये बात 100% सत्य होगी, और आगामी समय में 3 फेज बिजली भी 2024 तक आपको 24 घंटे मिलेगी। और जहां तक जो ट्रांसफार्मर और अन्य दिक्कतें जो गई हैं, उसको बहुत गंभीरता से, चूंकि एकदम से लोड पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात का जिक्र किया है, एकदम से लोड पड़ता है, शासन प्रशासन हमेशा सजग भी रहता है, और उस आधार पर हमने व्यवस्था बनाई है, मॉनिटरिंग के लिए टीम बनाई है, और निश्चित तौर पर किसान मोर्चा का होने के नाते, चाहे वो खाद की बात हो चाहे अन्य बात हो, हमने प्रत्येक विभाग का प्रमुख बनाकर उनसे सीधा कांटेक्ट कर रहे हैं, और जहां जहां ग्राउंड लेवल पर हम सीधा काम कर रहे हैं, और लाइनों की जहां तक बात है, तो मैं आपसे एक निवेदन कहता हूं, इनके जमाने में जो डंडे पड़ते थे किसानों का, जो बदहाल हुआ करता था, अब किसान बिल्कुल, और अब तो आज जो माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई वल्लभ भवन में, और उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि हम तो अब जो खाद में और सुधार करते हुए उसको घर पहुंच व्यवस्था भी करने का काम करेंगे। कंटिन्यू करूंगा आपको, फिर आप, मैं फिर सिद्दीकी के पास बाद में आऊंगा, पहले राहुल जी के। राहुल जी, दर्शन जी तो बता रहे हैं आप ही की वैचारिकता के हैं, वो तो बता रहे हैं सब कुछ ठीक है, बिजली बढ़िया आपको 10 घंटे मिल रही है, हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है, आपको खाद टाइम पे मिल रही है, आपको आरबीसी के सारे फैसले हो गए, आपका बलराम योजना मिल जा रही है, आपको डिफॉल्टर से कम किया, तो आप लोग को क्या हो गया, फिर अचानक एकदम क्यों हो गया, सब सड़क पे आ गए आप लोग, सब कुछ तो हो रहा है आपका। देखिए त्रिपाठी जी, मैं दर्शन जी भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि ये काफी पुराने कार्यकर्ता किसानों की चिंता करते हैं, तो इन्होंने, क्योंकि सरकार इनकी है तो सरकार का पक्ष रखा है, तो सरकार के पास वही जानकारी जो इनके अधिकारी कर्मचारियों ने इनको दी है, ग्राउंड की जानकारी हम इनको जो दे रहे हैं उस पर इनको थोड़ा ये मुद्दे की बात है, ग्राउंड की जानकारी। हाँ, क्या है कि ठीक है, आप कह रहे हैं 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, 10 घंटे बिजली किस समय दे रहे हैं ये भी देखिए, ठीक है, रात को अगर आप बिजली देंगे 10 डिग्री टेम्परेचर पे किसान को आप खेत में पानी फेरने भेजेंगे तो उसकी क्या दशा होगी, उसको थोड़ा सुधारिए। हम कह रहे हैं आप खाद बीज की समस्या में बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है आपके पास पर्याप्त है, तो ग्राउंड पे क्यों नहीं पहुंच रहा है, बीच में ये छेद कहाँ पे हो रहा है, इसको कौन बंद करेगा, ये काम भी तो आपका ही है, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। अगर ये समस्याओं पर समाधान होता तो किसानों को क्या आना पड़ता है, आज इतना कठिन समय चल रहा है, खेत में पानी चल रहा है, पलेवा चल रहा है, किसानों को अपनी फसल की चिंता, उस समय पर भारी मात्रा में प्रदेश के अपने जिले मुख्यालय पे, प्रदेश मुख्यालय पे आके किसानों ने धरना दिया है, तो कोई ना कोई विशेष वजह तो होगी, इस चीज़ पर इतनी गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जा रहा। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से आप सलाह लेते हैं, किसान प्रतिनिधियों से भी तो पूछिए कि जमीन पर हकीकत क्या है,
हम जो फीडबैक दे रहे हैं उस पर भी तो थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए जी। मैं फिरोज भाई आपके पास आना था, प्लीज दर्शन जी, जो आप कह रहे थे आपने सुना कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर आप वही भाषा क्यों बोलने लगते हैं बिल्कुल जो विपक्ष में बोलती पड़ती है, वो तो कह रहे सब कुछ बढ़िया है। अरे भाई ऐसा है कि दर्शन भाई जो है सत्ता में है जी, तो अब जब सत्ता में है तो उनका चश्मा ही हरा है, तो अब सब हरा ही हरा दिखेगा उनको, उनको कैसे दिख सकता है कि ये ना किसान की क्या तकलीफ है। मैं तो राहुल भाई को मुद्दा दे रहा हूं, आप जा रहे हैं 19 दिसंबर को वहां दिल्ली में, घेर लीजिए कि ना उद्योगपतियों के 10.5 लाख करोड़ माफ करते हो, वो किसान का 10.5 रुपया माफ नहीं करते। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि पहली ही मीटिंग में, पहले ही दिन मैं किसानों के कर्जे माफ करूंगा, क्यों नहीं हो रहे किसानों के कर्जे माफ? हमारे किसान को तो आप कुछ नहीं दे रहे, सारी योजनाओं का बट्टा बिठाल दिया किसानों में। और जब कमलनाथ जी 44 पैसे में, ये प्रदेश को सौभाग्य था कि कमलनाथ सरकार 44 पैसे में जो है बिजली दिया करती थी पर यूनिट किसानों को, आज इतनी महंगी क्यों हो गई बिजली? और ट्रांसफार्मर अगर खराब हुए हैं, जले हुए ट्रांसफार्मर बदलेंगे? सब्सिडी दे रहे सर, वो तो कहते रहे सब्सिडी दे रहे हैं। अरे सर सब्सिडी जो है, हमको आपकी सब्सिडी नहीं चाहिए, हमने तो सिंपल एक बात की कि हमारे किसान को 44 पैसे यूनिट जब थी व्यवस्था, आपने क्यों बदल दी? शहरी क्षेत्र में कहते हो मीटर लगाओ, जो अब जो 24 घंटे लाइट मिलेगी उसमें कहते हैं मीटर लगाओ, नहीं तो नहीं देंगे तुमको। और अब मेरा खेती शहर के बगल में है तो मैं क्या करूंगा? ये सारी स्थितियां जो है ना, ये स्थितियां जो है विकट हो गई। आज कृषि मंत्री बता दें कमल पटेल की, उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री कृषि मंत्री बने, जरा उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ कि बताओ आपने कौन कौन से काम किए किसानों के। फसल बीमा योजना है, हम 200 रुपए की खाद लेते हैं, हम मुश्किल से 3000 की खाद लेते हैं, 1500 रुपए वो फसल बीमा के काट लेते हैं। अरे भाई ये कौन सी बात है, जबरदस्ती है हमारे साथ फसल बीमा की काटने की? फिर हम कहते हैं किसका खेत के, किसान के खेत को इकाई मानो आप, आप कहते हो नहीं हम तो अब पूरा जो है पटवारी हलके को इकाई मानेंगे। इधर वो तो बदल गया ना, आरबीसी का वो बदल तो दिया। अरे कहां बदल दिया साहब, हम वही तो कह रहे हैं कि हमको आप बना के, जैसे कार इंश्योरेंस आप कराते हैं तो आपको एक पॉलिसी मिलती है, ऐसी हम जब कार इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हमें एक पॉलिसी दो आप हाथ में, हम फोन लगाएंगे और बुला के बताएंगे। इस मुद्दे पर मेरे ख्याल से दर्शन जी के पास जवाब होगा। दर्शन जी हम तो और एक चीज, आज उन्होंने कहा कि नामंत्रण के लिए मैं ग्राम सभा को दे रहा हूं अधिकार, ये दिग्विजय सिंह जी की सरकार का था कि अविवादित नामंत्रण जो है ग्राम पंचायत करते थे, वो ग्राम सभा में उसका प्रस्ताव पारित कर देते थे और भेज देते थे उसके पास सील ठप्पे लगा के तहसीलदार के पास, दूसरे दिन वो हो जाता था। ये अधिकार किसने छिनाया, किसकी सरकार ने छिनाया ये? और आप कह रहे हैं कि अभी आप बिना सहमति से हम जो है किसी किसान की जमीन अधिग्रहण नहीं करने देंगे। अरे भाई भूमि अधिग्रहण बिल पारे थे, कलेक्टर नहीं कर सकता ये काम, किसी हालत नहीं कर सकते जब तक 80% किसान सहमति नहीं दे और उसको 4 गुना मुआवजा नहीं दो किसान को। तो मैं दर्शन जी के पास आ रहा हूं। दर्शन जी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि वो बार 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 उस समय भी आप लोगों ने तमाम दावा किया था कि आरबीसी में हमने चेंज कर दिया, अब पटवारी हल्का की बजाय खेत इकाई रहेगा, ये तो कंफ्यूजन कहां हो रहा है? खेत इकाई, गांव इकाई, पटवारी हल्का इकाई, आरबीसी बदल दिया आपने, फिर भी क्या दिक्कत क्यों आ रही है? क्या समस्या? निश्चित तौर पर खेत इकाई हो चुकी है जी, जानकारियों का और आंकड़ों का अभाव माननीय सिद्दीकी जी के पास होगा जी। पिछले विगत 3 सालों के रिकॉर्ड यदि आप उठाकर देखेंगे तो जितना हमने प्रीमियम जमा किया है किसानों से उसका 1.5 से 2 गुना और एक बार तो 3 गुना तक राशि किसान के खाते में गई है, और ये 1000 करोड़ होती। पिछले बार भी हमने देखा एक दिन में ही 7,815 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार, हमारी सरकार ने देने का काम किया। और जहां तक बात है इसमें जो खेत की इकाई, और जहां जहां क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति अलग अलग थी और उसको लंबे समय से किसान संघ की, अन्य किसान संगठनों की मांग थी, उसके आधार पर किया है और इसमें किसान को न्याय भी मिला है। और आगामी समय में भी हमने अब तो व्यक्तिशः जिसकी अब बात आगामी समय में बात चल रही उसको भी करेंगे, और प्रमाण पत्र की बात है, आपका सुझाव सराहनीय, अमल करने होगा, हम उसको भी अमल करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं इसकी भी चर्चा ऊपर तक ले जाकर और उसको भी हम करेंगे, किसान के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है दर्शन जी, आप क्योंकि अच्छी बात की आपने, आप कह रहे हो जो मैं कह रहा था कि आरबीसी में चेंज हो चुका है मेरे ख्याल से, और आप कह रहे चेंज हो चुका, पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने चेंज करके विधानसभा में विधेयक पास कर लिया, राज्यपाल जी को भेज दिया, कानून बन गया, बल्लभ बन चला, पर मुझे लग रहा है आप लोग वो आदेश की कॉपी रिलीफ कमिश्नर को देना भूल गए शायद, इसलिए वो अमल नहीं हो पा रहा है। नहीं 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 देखिए त्रिपाठी जी, इसमें नीचे तक जो आप उठा के देखेंगे व्यक्ति शह भी, यदि 10 गांव में, सर वही बात, एक गांव में भी नुकसान हुआ है, तो आप ऐसे अनेक उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में उठा के हम दे सकते हैं जिनके विधिवत व्यक्तिगत भी बीमा आया है। और सर वही बात, अरे सर वही बात, उसी को हम कह रहे हैं कि यदि इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता
तो ये इतनी अधिक मात्रा में राशि संभव नहीं थी। इनके जमाने में दो दो रुपया मिलते थे, उपहास का पात्र हुआ करता था किसान को, उस उपहास से पात्र। सर जमाने की बात छोड़ो, 69 रुपए का चेक है, 69 रुपए का चेक आपके जमाने में भी आता है, वो विषय छोड़ दीजिए। पर मैं जो कह रहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे मेरे मन में शंका थी, इसलिए मैंने सवाल उठाया कि आप शायद रिलीफ कमिश्नर को देना भूल गए, क्योंकि वही बात राहुल जी भी कह रहे हैं कि राहुल जी आपको लगता है कि बिल्कुल जो जितना नुकसान हो रहा है और बिल्कुल आप खेत इकाई हो गई, व्यक्ति इकाई सब हो रही, इकाई किसान इकाई मानने जा रहे हैं दर्शन जी, उसके बाद भी आप लोग हंगामा करते हो, आंदोलन कर रहे हो। निश्चित तौर पे मैं दर्शन जी भाई साहब की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि इन्होंने इस प्रक्रिया में आगे कहानी बढ़ाई है, लेकिन कहानी अंतिम अंजाम तक नहीं पहुँची, इसमें थोड़ा सा मुझे भी शंका है जी। होता क्या है, आप जरा सा एक विसंगति देखिए, किसान बीमा कराता है, एक गांव में दो किसान का बीमा आता है, बाकी किसान का बीमा नहीं आता। अब जब वो किसान अपनी सर्वे रिपोर्ट मांगता है तो सर्वे रिपोर्ट उसको उपलब्ध नहीं कराई जाती, पूरा गाँव का गाँव परेशान होता है, ये दिक्कत क्यों आ रही है? अगर आपकी चीज़ें सही थी तो किसान को सर्वे रिपोर्ट उपलब्ध कराती, उसका बीमा किस आधार पर कितना बनाया गया उसकी सूची जारी की जाती, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, हम मानते हैं आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में कमी कहाँ रह रही है? क्यों किसानों को पूरी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही? किसान परेशान क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। दो अलग अलग टाइप के सवाल, आप वही संदेह कर रहे हैं कि साहब किसानों को आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और फिरोज भाई आप जो बात कह रहे थे कि आरबीसी में चेंज नहीं हुआ, आप पटवारी हल्का इकाई मान रहे हो, उसको राहुल जी अलग ढंग से कह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर आपको कहां आशंका है इनकी नीयत पर? देखिए, एक तो इनकी डीबीटी से हमको परेशानी है बहुत, मेरे घर में 9 किसान है और इनकी डीबीटी लागू हुए 7 साल हो गए, मेरे को आज तक 1 रुपए का अनुदान नहीं मिला जी। ठीक, एक बात। दूसरी परेशानी है इनकी फसल बीमा योजना से, ये आंकड़े तो बड़े बड़े बताते हैं लेकिन होता कि आता किसके खाते में ये भी पता नहीं चलता। आज तक मुझे गांव में कोई नहीं मिला जो ये कहता हो कि भैया मेरे खाते में 50,000 आ गए तो फसल बीमा योजना के, पैसे नहीं भरा, आपने प्रीमियम नहीं भरा तो कहते हैं। अरे बब्बू, उन्होंने ये 2 साल के छोड़ के गए थे, तीसरे साल का तो हमने 599 करोड़ भरा था और हम तो दूसरे का और भर देते 2200 करोड़। ठीक है, तो ये हम तो एक ही सवाल करना है कि आपको चलती हुई योजना क्यों बंद की, कमलनाथ सरकार की किसान ऋण माफी योजना, जब वो चले गए थे 8-10 हजार करोड़ और दे देते आप भाई, वो किसानों की जेब में पैसा डाल रही थी ना, वो तो गरीबों को पैसा दे रही थी, और हमारे टैक्स का, आपके टैक्स का वो पैसा है, वो किसी और का तो पैसा नहीं है, और आम लोगों को, उस गरीब किसान को मिल रहा है जिसको उसकी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। मैं राहुल जी को और कहता हूं कि दिल्ली में 19 तारीख को ये और कही है मोदी जी से कि एमएसपी पे आपने वचन दिया था कि मैं एमएसपी का कानून बनवाऊंगा, एमएसपी का कानून बनना चाहिए, हम भी संसद में खड़े हो जाएंगे और हम आपके साथ आवाज में आवाज मिलाएंगे, लेकिन किसानों को एमएसपी का कानून बनना चाहिए। जितनी भी बातें हैं, सरकार को संजीदा रहना चाहिए। अब चुनाव आ गए और किसानों ने अब कुर्ता पकड़ लिया और ये अब समझ में आ गया सरकार को, ये ब्याज माफी करने से काम नहीं चलेगा, किसानों की जो सूची हम छोड़ के गए उसको आपको पूरी करना है। बस बड़ी संजीदगी के साथ कुर्ता छुड़ा रहे अपना ना आपसे दर्शन जी तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विषय ये है, कांग्रेस ने ही, कमलनाथ जी ने सारी जो किसान हितैषी थी योजना थे उन पर ताला डालने का, बंद करने का काम किया था। उनने 2 लाख की कह के हम सारे पूरे किसान समाज को, पूरे किसानों को दर्शन किया। उसके अलावा हमारी जो निजी ट्रांसफार्मर योजना जिसकी आज किसान संघ ने बात रखी है, समय कम है थोड़ा, समय बस आखिरी सवाल आपसे, आखिरी टिप्पणी, वही बात राहुल जी कह रहे हैं, आपके वैचारिकता से जुड़े हुए हैं, वही बात फिरोज जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ठीक है आपने जो बात मान ली उनकी प्रमाण पत्र वाली, क्या आप मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे कि साहब थोड़ा डीबीटी में ठीक कर लीजिए, पटवारी हल्का को किसान खेता योजना जो आप लाए उस पर ठीक कर लीजिए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कह पाएंगे मुख्यमंत्री जी से सरकार? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार इस बात को, जो चीज भी अवगत कराते हैं उसको बड़ी संजीदगी के साथ और संवेदनशीलता से किसानों के मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री ये हल करने का काम करते ही हैं। और डीबीटी जहां तक है, भ्रष्टाचार ये कांग्रेस इसलिए उड़ा रही है और इसलिए समाप्त हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, भ्रष्टाचार मुक्त करने काम किया हमने किया। प्रोग्राम में दर्शन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका, फिरोज भाई आपका, दर्शन जी आपका। बस एक मुद्दा बाद में उठता है कि इतना सारे दावे किए जा रहे हैं, जो दर्शन जी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने आज दिन भर बात की, उसके बाद भी अदम गोंडवी साहब को क्यों कहना पड़ता है कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव आज भी किस्तें भरता है। नमस्कार, ये प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप कहीं जाइएगा मत, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।